भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर चौक स्थित भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित चेतना, समाज सुधार और भेदभाव उन्मूलन के सबसे बड़े पैरोकार, हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत, परम श्रद्धेय महामानव थे। उन्होंने विभिन्न रूढ़ियों और कुप्रथाओं से घिरे समाज को नई दिशा देने और पिछड़े वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु उनके द्वारा किए गए प्रभावी कार्य सदियों तक मानवता का पथ अलोकित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब छुआछूत चरम सीमा पर था तो बाबा साहब ने समाज को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज के वंचितों से जोड़ने का काम बाबा साहब ने किया। हम सभी उनके बताए हुए प्रेरणा के रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, ब्रजेश मणि मिश्रा, रमेश प्रताप गुप्ता, शिवम पांडे, अशोक गुप्ता, देवेंद्र गौंड, पिंटू, हृदय सिंह, बबलू, महानगर मंत्री अजय श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष सिद्धांतो घोष, जितेंद्र चौधरी, प्रेमनाथ शुक्ला, अजय राय, कृष्ण कुमार, जितेंद्र सैनी, कमलेश्वर जाट, आशुतोष पांडे, राजेश सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन हम सभी भारतीय जनता पार्टी महानगर गोरखपुर के तपस्वी कार्यकर्ता अंबेडकर चौराहे पे बाबा साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण करने का कार्यक्रम किए हैं। और एक बाबा साहब ने जो सामाजिक समरसता का एक संदेश दिया था, ताकि ये जन जन तक सामाजिक समरसता पहुँचे, और बाबा साहब ने देश को जो कुछ दिया, संविधान दिया, और उससे हम सभी, पूरा देश, हमारा संविधान, हमारा नियम कानून सब उस संविधान पे आधारित चलता है। बाबा साहब ने इस देश को एकजुट रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि आज के दिन हम सभी माल्यार्पण करके उनके श्री चरणों में अपना माल्यार्पण किए हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सभी चलने का प्रयास करेंगे। यही हम सबका धर्म और कर्तव्य भी बनता है। निश्चित ही बाबा साहब सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे। जब छुआछूत चरम पर था तो बाबा साहब ने समाज को एकजुट रखने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जात पात का जो भेदभाव मिटाकर समाज की मुख्य धारा से समाज के शोषित वंचितों को जोड़ने का काम बाबा साहब ने किया। निश्चित ही उनके बताए हुए प्रेरणा के रास्ते पर हम सभी चलने का प्रयास कर रहे हैं।